मोहम्मद मुकीम साहब पूर्व सांसद मंचासीन है। इसी तरीके से हमारे बीच में अली जनाब ठाकुर प्रसाद तिवारी जी जो हमारे कांग्रेस पार्टी के जिला सदर है, कृपया आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक अली जनाब अनिल सिंह जी साहब मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कृपया मंच पे आवे और आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और इसी के साथ में रंजना मिश्रा साहिबा जो जिला अध्यक्ष है वो भी कृपया मंच कष्ट करें। और इसी कड़ी में हमारे नौजवान साथी अली जनाब काजी सुहेल साहब जो पीसीसी सदस्य है, कृपया वे भी आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और मोहतरमा किरण शुक्ला साहिबा जो कांग्रेस की नेता है वो भी कृपया के अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे बीच में अली जनाब डॉक्टर रमेश चौधरी साहब जहां कहीं भी हो, जनाब डॉक्टर रमेश चौधरी साहब कृपया आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे डुमरियागंज से प्रखर और कांग्रेस पार्टी के नेता अली जनाब सच्चिदानंद पांडे जी जहां कहीं भी हो कृपया आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे नौजवान साथी कपिल वस्तु विधानसभा के हमारे कैलाश पंछी जी यहां मौजूद हैं, कृपया आकर के वो भी अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। साथियों कुछ औपचारिकताएं हैं, इसी औपचारिकता को मैं बिना किसी तमहीक के बिना किसी भूमिका के बस यहीं से प्रारंभ कर रहा हूं। मैं सबसे पहले अली जनाब अब्दुल साहब को आवाज देता हूं। अब्दुल रऊफ साहब कृपया मंच के पास आ जाएं। हमारे पूर्वी स्पीकर माननीय माता प्रसाद पांडे जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में है मंचासीन है अली जनाब अब्दुल रऊफ साहब जो इस मुशायरे के जान है, जिनके अथक प्रयास से मुशायरा शुरू हुआ है। माननीय माता प्रसाद पांडे जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करते हुए में हमारे मैं अली जनाब कमाल अहमद साहब को आवाज देता हूं कि आज के कार्यक्रम की हमारे पूर्व अली जनाब मोहम्मद मुकीम साहब को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। इसी कड़ी में मैं अली जनाब निजामुद्दीन साहब को आवाज देता हूं कि हमारे के जिला सदर ठाकुर प्रसाद तिवारी जी हैं, उन्हें माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। और अली जनाब अब्दुल मुकीम बुद्धि को आवाज देता हूं कि हमारे बीच में मोहतरमा रंजना मिश्रा जी हैं जो जिला अध्यक्ष है, उन्हें भी पुष्प देकर के पुष्प देने का काम करें और पुष्प देकर सम्मानित करें रंजना मिश्रा जी को। और इसी कड़ी में हमारे बीच में अब्दुल अनवर भाई मौजूद हैं जो अली जनाब काजी सुहेल साहब को भी माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। जनाब अनवर भाई अली जनाब काजी सुहेल साहब को माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। और उसके बाद अली जनाब अब्दुल हकीम उर्फ लल्लन भाई जो मोहतरमा किरण शुक्ला साहिबा को पुष्प देकर सम्मानित करने का काम करेंगे। मैं अब्दुल हकीम उर्फ लल्लन भाई को आवाज देता हूं कि मोहतरमा किरण शुक्ला साहिबा को जी हाँ बोल रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं अली जनाब कमाल अहमद साहब जो मीडिया प्रभारी हैं, मैं उन्हें चाहूंगा कि हमारे पूर्व विधायक अली जनाब अनिल सिंह जी यहां मौजूद हैं, उन्हें भी माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें जी। और साथ ही साथ अली जनाब जावेद मुकीम साहब, जावेद साहब जहां कहीं बहुत कृपया हमारे बीच में डॉक्टर रमेश चौधरी साहब हो गया पूर्व विधायक जनाब अनिल सिंह साहब को हमारे जावेद मुकीम साहब माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख इतवा रह चुके हैं, वो माल्यार्पण कर अपने पूर्व विधायक जनाब अनिल सिंह साहब का स्वागत करेंगे। और उसके बाद हमारे बीच अफसर भाई को मैं चाहूंगा कि अली जनाब डॉक्टर रमेश चौधरी साहब को माल्यार्पण कर डॉक्टर रमेश चौधरी साहब और हमारे इमरान भाई यहां मौजूद होंगे, मैं इमरान भाई को आवाज देता हूं कृपया आवे।
और हमारे डुमरियागंज के प्रखर विद्वान वक्ता अली जनाब सच्चिदा पांडे जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें और सच्चिदानंद पांडे जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें जो हमारे बीच है। और इसी कड़ी में हमारे बीच में कैलाश पंछी जी यहाँ मौजूद हैं, कैलाश पंछी जी वहां मौजूद हैं, कृपया नामुर रहमान साहब कैलाश पंछी जी को माल्यार्पण। मैं अभिषेक प्रताप शाह साहब एमपी नेपाल के इस्तकबाल के लिए गुजारिश कर रहा हूं इस मुशायरा कमेटी के सदर भाई रऊफ चौधरी साहब, कमाल अहमद साहब साबिक ब्लॉक प्रमुख एटवा, जनाब कमाल अहमद साहब मीडिया प्रभारी और जनाब निजामुद्दीन खान साहब से गुजारिश करता हूं कि हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरम अभिषेक प्रताप शाह एमपी नेपाल का इस्तकबाल करें। जी जी, अभिषेक प्रताप शाह जाहिर है कि हमारे मेहमान खुसूसी भी हैं, नेपाल की संसद में वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने इलाके की नुमाइंदगी करते हैं और जाहिर है कि इस इलाके से नेपाल के सियासी और समाजी हजरात का बड़ा गहरा ताल्लुक है और उसी ताल्लुक की वजह से अभिषेक प्रताप शाह साहब यहाँ तशरीफ भी लाए हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि वह आज की महफिल की जीनत बने और उनकी वजह से हमारे मुशायरे के वकार में इजाफा हुआ। उमर चौधरी साहब हमारे जो मुंतजमीन हैं उनमें से एक बड़ा जिम्मेदार नाम है जनाब उमर चौधरी, वो भी उनका इस्तकबाल करेंगे। इसरार अहमद पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी इस्तकबाल करेंगे जनाब अभिषेक प्रताप शाह साहब का। और इसरार भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य का इस्तकबाल करेंगे जनाब रऊफ चौधरी साहब। किफायतुल्ला खान साहब का इस्तकबाल भी रऊफ चौधरी साहब करेंगे। संजू काजी का जब जवुआ इस्तकबाल करेंगे। चलिए साहब बहुत शुक्रिया मोहतरम अभिषेक प्रताप शाह साहब जो एमपी हैं नेपाल में, नेपाल सरकार में मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। जाहिर है कि एक मोमेंटो उन्हें दिया जाना है और एक मोमेंटो उनकी तरफ से मोहतरम मोहम्मद मुकीम साहब साबिक एमपी को दिया जाना है। तो मैं चाहता हूं कि इस यादगार लम्हे को ऐसे कैद कर लिया जाए कि अभिषेक प्रताप शाह साहब जो एमपी नेपाल हैं उनके दस्ते मुबारक से एक मोमेंटो दिलाया जाए मोहतरम मोहम्मद मुकीम साहब को और ये लम्हा इस तरह से यादगार बन जाए कि ऐसा लगे कि इंडो नेपाल दोस्ती का ये खूबसूरत मंजर यहां से लेकर नेपाल तक मोहब्बत बिखेरने में कामयाब हुआ। इसके लिए आपकी तालियों की बहुत जरूरत पड़ेगी, आपकी जोरदार तालियों के बीच ये खूबसूरत मंजर जिसे कमाल अहमद कमाल भाई और हमारे दीगर जो मुंतजमीन हैं कमाल अहमद साबिक ब्लॉक प्रमुख इटवा, जनाब रऊफ चौधरी साहब, निजामुद्दीन साहब, कमाल अहमद साहब मीडिया प्रभारी, ये तमाम अदब दोस्त इस लम्हे को मुकम्मल कराने में लगे हैं और जनाब अभिषेक प्रताप शाह साहब की तरफ से ये मोमेंटो दिया जा रहा है जनाब मोहम्मद मुकीम साहब साबिक एमपी को। ये ऐसा लम्हा है कि जिसे बहुत ज्यादा कामयाब और मुबारक माना जाना चाहिए। दो मुल्कों की मोहब्बत का मामला है, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। नेपाल आपके लिए नया नहीं और आप नेपाल के लिए नए नहीं, आप इतने करीब हैं कि रोड के इस पार है तो हिंदुस्तान में है, रोड के उस पार चले जाए तो नेपाल में है। दोनों मुल्क जिस तरह से मोहब्बतों की फजा में और आप मुकीम साहब एक मोमेंटो जनाब अभिषेक प्रताप शाह साहब एमपी नेपाल की खिदमत में पेश करेंगे। कोई बात नहीं, ऐसे ही दे दीजिए तो वो
ये ठीक है, वो डिजाइन में बन जाएगा। जी जी, कोई बात नहीं। ये मोमेंटो दिया जा रहा है हमारे दोनों मुअज्जिजीन को, सदर अली वकार मोहम्मद मुकीम साहब, साबिक एमपी को मोमेंटो दिया जनाब अभिषेक प्रताप शाह साहब ने, और अभिषेक प्रताप शाह साहब एमपी नेपाल को मोमेंटो दिया मोहम्मद मुकीम साहब ने। बहुत बहुत खूबसूरत मंजर और दो मुल्कों की दोस्ती का ये खूबसूरत नजराना अभी पेश किया गया।